डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एडीसी पार्ट वन वालों का 2023 रेगुलर प्राइवेट का स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था। याद रखिए, ये एडीसी पार्ट वन वालों के लिए है, ये बीकॉम वालों का नहीं है। 2023 रेगुलर प्राइवेट वालों का पेपर था। इसका सोल्यूशन क्या है और इसके बारे में मेरी राय क्या है, आइए ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए का जो पहला सवाल लिया गया है, क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस मालूम करना था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 रेगुलर में, लेकिन उसमें डिस्टेंस मालूम नहीं करना था, बल्कि उसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी थी। यानी कि वैल्यूज यही थी, लेकिन उसमें इक्वेशन मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट इसी चैप्टर से लिया गया है और इसमें आपको रूट्स मालूम करने थे, और मेरे ख्याल से ये भी 2017 रेगुलर से लिया गया। एक मिनट मैं देख लूँ मेरे पास इस वक्त, क्योंकि पेपर मौजूद है। तो 2017 रेगुलर का बी पार्ट से, हाँ जी, ये भी 2017 रेगुलर के बी पार्ट से लिया गया है। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं ये बी पार्ट नहीं है, चलो खैर, ये बी पार्ट नहीं है, ये जो बी पार्ट है ये 17 में नहीं है, लेकिन अलबत्ता ए पार्ट जो 17 बी का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू का जो ए पार्ट है, ये इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा भाई, रूट्स मालूम करने थे। क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट ये डेरिवेटिव के चैप्टर से लिया गया है और इसका ए पार्ट ये रहा। इसका सॉल्यूशन नीचे अभी आपको दिखाता हूँ। ये बता देता हूँ कि 2017 रेगुलर से एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, सेम वैल्यूज यहाँ पर ली गई हैं। ये इसका आंसर है। ए पार्ट का पहला सवाल था, यानी पहला पार्ट है, और ये उसका दूसरा जो पार्ट था, ये उसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट भी इसी चैप्टर से लिया गया है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी 2017 रेगुलर से एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, सेम वैल्यूज के साथ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट, ये मैट्रिसेस के चैप्टर से लिया गया है, ये कॉपी नहीं है। सही है भाई, 2017 रेगुलर से कॉपी नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें आपको इन्वर्स मालूम करना था, ये रहा इसका इन्वर्स, और फिर इसका इसके बारे में आपको प्रूफ करना था कि जो भी होता है। खैर, ये इसको देख लीजिएगा सॉल्यूशन, बहुत आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर थ्री का बी पार्ट जो है वो क्रैमर्स रूल से लिया गया है, 2017 रेगुलर का कॉपी है ये पार्ट भी मेरे ख्याल से। देख लेता हूँ एक बार मैं फिर भी, 2017 रेगुलर, हाँ जी, एग्जैक्टली कॉपी है बी पार्ट इसका। ठीक है, क्रैमर रूल का पार्ट मैट्रिसेस के चैप्टर से लिया गया ये भी। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में फोर का ए पार्ट जो है वो एमसीक्यूज़ है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका जो बी पार्ट है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन से लिया गया है, चैप्टर है आपका सेक्शन बी का मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और ये उसका सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको मालूम करना था, ये यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन की गई है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। ये जो आपके पास एक्स है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 32, इसमें से हमने मीडियन को माइनस किया, मीडियन की वैल्यू कितनी थी 47, इसको माइनस करने के बाद जो भी आंसर आया हमने उसमें से माइनस की साइन को रिमूव कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी कैलकुलेशन मालूम होगी, और ये इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, और ये उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन का आंसर यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर फोर का सी पार्ट बहुत ही आसान, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर से लिया गया है, मीन मीडियन मॉड मालूम करना था, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं थी, बहुत ही आसान, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा। ठीक है जनाब, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये मीन का आंसर है, और ये मीन मीडियन का सॉल्यूशन, और ये उसका आंसर, और ये मॉड का सॉल्यूशन और उसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, ये कॉपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव के ए पार्ट में आपको ए एम, जी एम और एच एम मालूम करना था, तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मौजूद है, इसको देख लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है जनाब, ये भी कॉपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो बी पार्ट है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी बतानी थी कि स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपको बुक में मिल जाती हैं, एग्जैक्टली कॉपी हुई है बुक से, इसको आपने यहाँ पर कॉपी कर देना था, दैट्स इट। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव का सी पार्ट, इसमें कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन आपको मालूम करना था, पूरा पार्ट, पूरा सेम का सेम पार्ट, यानी एग्जैक्टली वैल्यूज़ भी कॉपी की गई हैं 2017 रेगुलर से। इससे क्या लग रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है, अभी मैं समझाता हूँ बाद में। खैर, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले मैंने इससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, फिर मैंने इससे मीन कैलकुलेट किया है, और फिर मैंने इससे सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट रिग्रेशन के चैप्टर से लिया गया है, रिग्रेशन कोरिलेशन, और ये भी 2017 रेगुलर का सवाल है, एग्जैक्टली कॉपी है। तो यहाँ पर हमने पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर ए की, फिर वाई ऑन एक्स, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट एग्जैक्टली कॉपी है 2017 रेगुलर से। अब आप बोलेंगे सर, अब आप समझ गए, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि सारे सवाल वहीं से कॉपी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे कॉपी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वहीं से कॉपी है, ये इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट, ये लिया गया है कौन से चैप्टर से लिया गया, ये प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, ये जो है इंडेक्स नंबर से और ये प्रोबेबिलिटी से। तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था, इसका पहले सैम्पल स्पेस बनाया और फिर ये इसका सॉल्यूशन और फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे बता दीजिएगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट, ये भी प्रोबेबिलिटी यानी काउंटिंग टेक्निक के चैप्टर से लिया गया, इसी से मिलता जुलता है, काउंटिंग टेक्निक के चैप्टर से लिया गया है, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, यू कैन सी। ठीक,
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट कॉपी है 2017 रेगुलर से, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से ही लिया गया है ये पार्ट भी, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट एस्टीमेशन के चैप्टर से लिया गया है, कॉपी है 2017 रेगुलर से एस्टीमेशन का, ये इसका सॉल्यूशन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सैम्पलिंग के चैप्टर से लिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी, एग्जैक्टली कॉपी है 2017 रेगुलर का है शायद ये भी, लेकिन इसके अंदर जब आप टेनियर में एयर देखें ना 2017, तो इसमें आगे उसमें हमें मीन की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी थी और उसे इक्वल करके दिखाना था, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल पढ़ें, या तो शायद सवाल में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये क्या हुआ है, मेरे पास जो क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2, बस ये हमें सैम्पल बनाकर दिखाना था, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है वो मीन को भी इक्वल कर दिखाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ये बनाना था फिलहाल। अब ये शायद मेरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद एग्जामिनर से आगे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है या पेपर में मिसप्रिंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। बहरहाल ये अगर इतना सवाल है तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही बनता है, सही है जनाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, हाँ यहाँ थोड़ी सी एग्जामिनर ने डंडी मारी है, 2017 रेगुलर का ये सवाल है, एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, बस एक चेंज ये था। 2017 रेगुलर में यहाँ पर लिखा था टू विल विन प्राइस, यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनर ने अब क्या कर दिया, टू विल नॉट विन प्राइस, यानी दो जो है वो प्राइस नहीं जीतेंगे। इसका मतलब टोटल कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। 5 में से अगर 2 प्राइस नहीं जीतेंगे तो कितने प्राइस जीतेंगे? 3 प्राइस जीतेंगे। तो मैंने यहाँ पर सवाल को चेंज कर दिया, बल्कि आपको भी यही करना था कि 3 जो है वो प्राइस नहीं जीतेंगे। इसके दो तरीके करने के, या तो इसको माइंड में रखिए कितने प्राइस जीतेंगे, 3 जीतेंगे, जब 2 नहीं जीतेंगे तो 3 जीतेंगे, तो 3 के हिसाब से आप सॉल्यूशन कीजिए, या फिर आप 2 के हिसाब से ही सॉल्व कीजिए, यानी 2 प्राइस जीतेंगे ये सोच के कीजिए और 2 के हिसाब से सॉल्व कीजिए, आखिर में जो आंसर आए उसे 1 में से माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसके पास जो है वो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट कॉपी किया गया है 2017 रेगुलर से, अच्छा ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये है 8 का जो सी पार्ट है वो है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ए लिया गया है, अच्छा और ये सैम्पलिंग के चैप्टर से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 9 का ए पार्ट ये लिया गया है हाइपोथेसिस के चैप्टर से और ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है जनाब, ये टी कैलकुलेटेड था और फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजन, भाई इसके बाद वो टेबल वो भी बनता है जो होता है ना यूं करके ग्राफ, वो मेरे पास मुझे आता नहीं बनाने इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद 9 का बी पार्ट ये लिया गया है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में ये बात बताई थी, यानी कि जब मैंने गैस पेपर के तौर पर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर कहा था तो मैंने यही कहा था कि भाई सारे चैप्टर्स को मिलाकर वो कुछ भी सवाल बनाकर आपको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इसका 9 का ए पार्ट है वो किससे लिया गया, हाइपोथेसिस से। 9 का जो बी पार्ट है वो किससे लिया गया है, वो स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ले लिया, यानी कि सवालों को मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन बना है, बिल्कुल ऐसे किया। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली कॉपी है 2017 रेगुलर का, मैंने भी एग्जैक्टली कॉपी कर दिया भाई। ठीक है, 10 का ए पार्ट लिया गया है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान, तो ये प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, ये इसका ए पार्ट है चारों पार्ट्स। और 10 का जो बी पार्ट है वो लिया गया है हाइपोथेसिस के चैप्टर से, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यानी कि काय स्क्वायर से, और ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया पेपर। अब मेरी क्या राय है, मेरी राय ये कि भाई बहुत ही आसान पेपर था, अगर आपके माइंड में नहीं भी है कि 2017 रेगुलर का पेपर है, फिर भी अगर आप पेपर को देखें तो बहुत आसान था, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो आपके टीचर ने आपको ना पढ़ाई हो, और कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में ना पढ़ाई हो, तमाम चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आपने ये नहीं पढ़ाई और ये आया, तो हम इससे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। पेपर बहुत आसान था, ओवरऑल पेपर बहुत ही ईजी था, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं थी। अब आपके माइंड में ये होगा कि शायद अब आगे के जो पेपर होंगे वो भी 2017 रेगुलर से किसी न किसी पास पेपर से आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर पेपर अलग टीचर सेट करता है। स्टेट्स का पेपर जिसने सेट किया हो सकता है कि उसने पास पेपर से सेट किया, अकाउंटिंग का पेपर जो टीचर सेट करेगा हो सकता है वो पास पेपर से ना सेट करे, वो अपने क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करते, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसका सबसे अच्छा तरीकेकार ये है कि आपके जो प्रीवियस पेपर्स हुए, कौन से, ITV के और इंग्लिश के पेपर्स, इन दोनों पेपर्स को उठाकर अपने पास पेपर से मैच करके देख लीजिए, क्या किसी भी पास पेपर से एग्जैक्टली पेपर मैच हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे तो नहीं मिला अलबत्ता, हो सकता है शायद आपको पेपर मैच होता हुआ मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से ईयर से एग्जैक्टली पेपर आपका मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो 80-90% पेपर है वो 2017 रेगुलर से लिया गया, सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, राय भी मैंने अपनी दे दी। अब इसके बाद एक सवाल आता है, स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर मेरे सवाल का ये हिस्सा गलत हो गया, वो हिस्सा गलत हो गया, मैंने आधा यूं कर दिया और आधा या कर दिया,
तो क्या मुझे उसके नंबर मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि मार्किंग स्कीम एग्जामिनर के हाथ में है। एग्जामिनर को पता है कि उसने किस चीज़ से कितने मार्क्स रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उसने एक स्टेप के कितने मार्क्स रखे हुए हैं, इसके कितने मार्क्स हैं, इसके कितने मार्क्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये डिपेंड किस पे करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर में जब हमारे पास जब चेकिंग के लिए कॉपीज़ आती हैं तो उसके साथ एक आंसर शीट होती है जिसके ऊपर मार्किंग स्कीम लिखी होती है कि इस स्टेप के इतने नंबर होंगे, इस स्टेप के इतने नंबर होंगे, इस स्टेप के इतने नंबर होंगे, तो वो एग्जामिनर डिसाइड करता है। तो अगर आपने कुछ स्टेप सही किए हैं तो आपको कुछ स्टेप के नंबर मिलेंगे, और अगर आपने जहाँ से गड़बड़ करने शुरू किए वहाँ से आपके नंबर जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, जितना किया है उतने नंबर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, बाकी चेकर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मुझसे कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बाद में उसे करेक्ट कर देता हूँ। सही जनाब, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर जो है स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मतलब अपने पेपर के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबका पेपर कैसा हुआ। वो स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट थे, जो नहीं भी थे वो भी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, ताकि मुझे आइडिया हो कि पेपर आपका कैसा हुआ। क्या जो हमने स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं, क्या उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके से अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ, अकाउंटिंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।